इस ताकत ने दुनिया में इतना बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया। इस बात की जब हम लोगों ने खोज करना शुरू करी तो हमें अपने उस्तादों और पूर्वजों से कुछ चौंका देने वाले सबूत मिले, जिन सबूतों को इकट्ठा करने में उन्होंने अपनी जानें तक गंवा दी। ऐसे ही आज मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी, लफ्ज इल्यूमिनाटी दरअसल लूसीफर से लिया गया है जिसका मतलब होता है रोशनी रखने वाले। वैसे तो यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी वक्त से है, यह कभी किसी नाम से दुनिया के सामने आई, कभी किसी नाम से, बट एडम वेसॉफ्ट के जरिए 1776 में इसका नाम इल्यूमिनाटी रखा गया। 1784 में बावेरियन गवर्नमेंट को अचानक कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे एक बहुत बड़ी लूसीफेरियन कॉन्स्पिरेसी यानी लूसीफेरियन साजिश के बारे में मालूम होता है। और इस साजिश का मकसद दुनिया के सारे मजहबों का खात्मा बताया गया है, फिर चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मजहब हो। इसके काम करने के बारे में अगर बताऊं तो एडम वेसॉफ्ट के प्लान के मुताबिक इल्यूमिनाटी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई, जैसे दौलत और सेक्स को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करो और उन लोगों पर कंट्रोल हासिल करो जो आला ओहदों यानी हाई रैंक्स पर मौजूद हैं। जब कोई ओहदेदार इल्यूमिनाटी के जाल में फंस कर ऐशो आराम और मज़े की ज़िंदगी में गुम हो जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जकड़ में आ जाता है। अब अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता। इसे ब्लैकमेल के ज़रिए हर वक्त डराया जाता है और धमकियां दी जाती हैं कि अगर उसने इल्यूमिनाटी के डिमांड्स को पूरा ना किया तो उसे दुनिया में बदनाम किया जाएगा, और कई बार कत्ल की धमकियां भी दी जाती हैं। गवर्नमेंट इदारों यानी सरकारी महकमों में आला ओहदों के लिए ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो कठपुतलों यानी पपिट्स की तरह दिए गए हुक्म पर काम करें और पीछे छुपी हुई इन शैतानी ताकतों के इशारों पर चलते रहें। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को बचपन से ही चुन लिया जाता है और उनकी परवरिश और तरबियत इस तरह से की जाती है कि उन्हें पीएम या प्रेसिडेंट जैसे ओहदों पर बैठकर मुल्क को इन शैतानी ताकतों के इशारों पर चलाया जा सके। प्रेस यानी सभी तरह की मीडिया को कंट्रोल करो, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी न्यूज़ चैनल्स हो या फिर यूट्यूब पर ही कोई न्यूज़ चैनल क्यों ना हो, क्योंकि मीडिया एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो बहुत तेज़ी से लोगों के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। फ्री मैसन तंजीम से जुड़कर उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो। ये फ्री मैसन ऑर्गेनाइजेशन एक स्कूल है इल्यूमिनाटी के लिए जिसमें इनको सभी शैतानी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में भी बताएंगे। बड़े बड़े ओहदों पर रहकर बहुत होशियारी से झूठ बोलते रहो और उन लोगों को खुश करने के लिए वादे करते रहो, भले ही उन वादों पर अमल कर ही ना पाओ। और ये बात भी कई बार साबित हो चुकी है और होती रहती है, और आज के पॉलिटिशियंस झूठे वादों के अलावा शायद ही कुछ करते हों और ऐसे वादे जिन पर अमल कर ही ना पाए। Taxes of working families and putting thousands of dollars back into their pockets each year. My plan will make quality childcare more available and more affordable by creating more slots. Ache din anawali hai. Ache din zaror. ये तो इनकी कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं और इन इंस्ट्रक्शंस पर काम करने की स्ट्रेटेजी इनकी वक्त वक्त पर बदलती रहती है, और इस बदलाव को समझने के लिए एक आम बंदे की ज़िंदगी बहुत कम पड़ जाती है। इनकी सारी स्ट्रेटेजीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे अपने आगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि इनके काम करने का तरीका इतना खुफिया है कि आपको कुछ भी मालूम नहीं हो सका
और इनके हथियार आपके घरों में मिलते हैं, जिनसे आपको बेखबर रखा गया है, और वो लगातार आपकी रूह पर इन वेपन्स के ज़रिए काबू पा रहे हैं। हेल्मिट श्मिट ने अपनी बुक मैन एंड पावर्स में लिखा है, जिस तरह सूफी संत के मोनेस्ट्री यानी खानकाह हैं, ठीक उसी तरह आज दुनिया में सैटैनिक मोनेस्ट्री यानी शैतानी आश्रम भी है। अब आप थोड़ा हैरान होंगे कि आखिर शैतानी आश्रम इस दुनिया में कहाँ है, तो चलिए मैं आपको एक सबसे बड़े शैतानी आश्रम के बारे में बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा शैतानी आश्रम है बोहेमियन ग्रोव। यह अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को में है। इसके बारे में फ़िलहाल आपको बस इतना बता देता हूँ कि जुलाई के 2 हफ्तों में यहाँ पर दुनिया से बड़े बड़े लोग जैसे बिजनेस टाइकून्स, US प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, और वहाँ आकर ये लोग अपने हर गुनाह को कमिट करते हैं, जैसे हेट्रो एंड होमोसेक्सुअलिटी, दूसरों को सताना, लूट मार इस अंदाज से करना कि किसी को मालूम ही ना हो सके, और खूब शिद्दत से झूठ बोलना, किसी का कत्ल करना वगैरह। यानी इस दुनिया में जितने भी बुरे बुरे काम हैं उन सब का कमिट करना, और इन सब गुनाहों का कमिट करने के बाद कहते हैं, ऐ खुदा यानी शैतान, हमने तुझे खुश किया, हमने तुझे राज़ी किया, हमने हर वो काम किया जो तुझे पसंद है, और अब तू भी हमसे राज़ी हो जा। और फिर आखिरी दिन में ये लोग एक इंसान की बलि देते हैं, इंसान का कत्ल करा जाता है। और कुछ स्कॉलर्स ने यह भी कहा है कि इंसान को कत्ल करके उसका खून सभी मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में पिलाया जाता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि ऐ हमारे खुदा यानी शैतान, हमने तुझे खुश किया, जो काम तुझे पसंद है वो सारे काम हमने करे, और सारे काम हम करते रहेंगे, बस तू हमसे खुश हो जा, तू हमसे राज़ी हो जा, और जो तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है और तेरा सबसे बड़ा नुमाइंदा है, हम उसकी सल्तनत द ग्रेट इज़राइल के वफादार हैं, हम अपनी जानें उस पर कुर्बान करने को तैयार हैं, और जो भी तेरा जिस तरीके का भी प्लान है हम उस पर काम करते रहेंगे, सेक्स को और आम करेंगे, नशे को और आम करेंगे, और तू हमें इसी तरह हमें अपनी अपनी हाई रैंक्स पर बिठाए रखना, यानी हमें इसी तरह अपने अहदों पर रखना। और ये सारे काम रात के तकरीबन 9 या 10 बजे करीब होते हैं। विक्टोरिया क्लार्क ने अपनी बुक एलाइज फॉर आर्मगेडॉन द राइज ऑफ क्रिश्चियन ज़ियोनिज्म के अंदर इस बात को पूरी तरह से बताया कि बोहेमियन ग्रोव में जो आखिरी दिन इंसान को कत्ल करके उसका खून पिलाया जाता है, इस फेस्टिवल को क्रीमेशन ऑफ केयर कहा जाता है। और ये बात सिर्फ विक्टोरिया क्लार्क ने ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे राइटर्स ने कई बुक्स में लिखी हैं, जैसे जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक आर्टिकल में जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ द नेशन ऑफ केयर है। और यही बात रॉनसन जॉन ने, बैरी डैन वगैरह ने भी लिखी है। और इसी के साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ जो एक जर्नलिस्ट जिसका नाम एलेक्स जॉन्स है, उसने चुपके से खुफिया तरीके से बोहेमियन ग्रोव की एक वीडियो कैप्चर कर ली। तो देखिए ये बोहेमियन ग्रोव क्या है, कैसा है और इसमें होता क्या है। Now we're going to get to some enhanced video, and we'll go play by play through some of the more occultic statements, like we shall read the sign in your burned effigy,
the bound body. That's exactly what the Druids actually did. They would roast cats, goats, oxen, horses, and watch the pain of how they died. And from this extract. मेरा यहाँ एक सवाल है कि सभी बड़े बड़े लोगों को मालूम है कि बोहेमियन ग्रोव में इंसान की बलि दी जाती है, इंसान को कत्ल किया जाता है और बलि देने के बाद दुनिया के बड़े बड़े अहदेदार क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब मालूम है। तो क्या आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें? नहीं, बल्कि आवाज़ बुलंद हुई थी लेकिन वो आवाज़ें दबा दी गईं, क्योंकि एडम वेसॉफ्ट के मुताबिक जो इंस्ट्रक्शंस इल्यूमिनाटी को दिए गए थे वो उन पर भी भरपूर अमल कर रहे हैं।